हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आए दिन हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं और यूपी पुलिस का भी विज्ञापन आने वाला है जनवरी में 2024 में, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस एड बनाया गया हो और जीडी की भी ऑनलाइन चल रही है, एसएससी जीडी की। तो फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक बने रहें और पॉइंट टू पॉइंट नोट भी करें और कमेंट में अपने जवाब भी दें कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। चलिए तो फ्रेंड, देर न करते हुए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। किस क्रमांक का शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? फ्रेंड, आपको बताना है किस क्रमांक का शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन में कुंजर, बी ऑप्शन में गज, सी ऑप्शन में नाहर और डी ऑप्शन में हस्ती। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी नाहर। कुंजर किसका होता है? ये भी हाथी का होता है, गज भी हाथी को कहते हैं और हस्ती भी हाथी को। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड नाहर। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं? फ्रेंड, आपको बताना है किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं। ए ऑप्शन में सरस्वती, कोमा भारती, कोमा शारदा, कोमा कामिनी। बी ऑप्शन में कुरंग, कोमा सारंग, कोमा मृग, कोमा कुंजर और सी ऑप्शन में बैकुंठ, कोमा देवलोक, कोमा सुरलोक, कोमा धूलोक और डी ऑप्शन में है मृगेंद्र, कोमा मृगपति, कोमा दंती, कोमी, कोमा केसरी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, ये किसके हैं? स्वर्ग के पर्याय हैं। कुंजर किसका है? हाथी का पर्याय है और ये तीनों किसके हैं? हरण के। किसके फ्रेंड? हरण के। केसरी किसका है? केसरी, ये भी शेर का है। तो चलिए फ्रेंड, और कामिनी किसे कहते हैं? कामयुक्त स्त्री को कहते हैं, कामयुक्त स्त्री को। तो चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से उन्मुख शब्द का विलोम शब्द है, आपको बताना फ्रेंड इनमें से उन्मुख शब्द का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन में प्रमुख, बी ऑप्शन में विमुख, सी ऑप्शन में सुमुख और डी ऑप्शन में प्रतिमुख। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा विमुख, यानी उन्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। अली डैश अली, अली डैश अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार एग्जाम में आता भी है। तो ए ऑप्शन में भोरा डैश सखी, बी ऑप्शन में सखी डैश भोरा और सी ऑप्शन में कमल डैश बादल और डी ऑप्शन में नीर डैश बादल। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ए ऑप्शन, यानी भोरा डैश सखी। अली का अर्थ होता है भोरा और दूसरे अली का अर्थ होता है सखी। इसकी एक ही पहचान है फ्रेंड, इसमें भी दीर्घी की मात्रा लगी है और इसमें भी दीर्घी की मात्रा लगी है। इसका सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। सम डैश सम शब्द युग्म का सही अर्थ है, आपको बताना है सम डैश सम शब्द युग्म का सही अर्थ है। ए ऑप्शन में शांति डैश चावल, बी ऑप्शन में शांति डैश मोक्ष, सी ऑप्शन में चावल डैश शांति और डी ऑप्शन में सामान डैश मोक्ष। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, यानी सामान डैश मोक्ष। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ डैश कुछ, यानी कुछ डैश कुछ शब्द युग्म का सही अर्थ है, इसका भी सही अर्थ बताना है। ये ऑप्शन में उरोज डैश सेना, बी ऑप्शन में सेना डैश स्थान, सी ऑप्शन में उरोज डैश प्रस्थान और डी ऑप्शन में है स्थान डैश कली। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी उरोज। उरोज क्या होता है? स्थान को कहते हैं और इसकी संधि देखें कौन सी है, उर विसर्ग जमा के जय, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरे अक्षर से पहले अगर हमारी ओ की मात्रा है तो वो किसमें चेंज हो जाती है? विसर्ग में चेंज हो जाती है। जैसे यशोधा, यशोधा तो तीसरा अक्षर है, इससे पहले क्या हमारी ओ की मात्रा है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? यस जमा के दा, यशोदा, यशोदा
में भी विसर्ग संधि होती है और उरोज में भी विसर्ग संधि है। कुछ का अर्थ होता है उरोज और कुछ होता है प्रस्थान, यानी प्रस्थान करना। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ए ऑप्शन में सम्मुख, बी ऑप्शन में सम्मुख, सी ऑप्शन में सम्मान और डी ऑप्शन में संहार। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड बी ऑप्शन, यानी सम्मुख। सम्मुख क्या होता है? सम्मुख। अगर इसे हम तोड़ के लिखें तो सम उपसर्ग का होगा और मुख, यानी सम का अर्थ होता है अच्छा, छमुख। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। ए ऑप्शन में पूजनीय, बी ऑप्शन में पूजनीय, सी ऑप्शन में पौराणिक और डी ऑप्शन में निरपराध। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, यानी निरपराध। कभी कभी आपने देखा होगा निरपराधी भी लिखा होता है, लेकिन ये गलत है। पौराणिक में क्या करा है? पौराणिक कैसे गलत है? पौराणिक का सही होगा, पौराणिक शब्द सही होगा पौराणिक। पौराणिक जब एक प्रत्यय लगता है तो ओ को किसमें चेंज कर देते हैं? औ में। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। क्या होता है फ्रेंड? पूजनीय। चलिए फ्रेंड इसे भी यहां से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। ए ऑप्शन में सन्मुख कौमा एकता, बी ऑप्शन में उत्कर्षता कौमा तदोपरांत, सी ऑप्शन में जेवा कौमा अतियुक्ति और डी ऑप्शन में जागृत वेदव्यता। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन तदोपरांत। तदोपरांत तदोपरांत। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फ्रेंड आपको बताना है अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में कृतघ्न, बी ऑप्शन में कृपण, सी ऑप्शन में कुलीन और डी ऑप्शन में कृतज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। न जीता जा सकने वाला, आपको बताना फ्रेंड न जीता जा सकने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में अभिजी, बी ऑप्शन में अभिजीत, सी ऑप्शन में अजय और डी ऑप्शन में अदम्य। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, यानी जिसे ना जीता जा सके या ना जीता जा सकने वाला क्या कहलाता है? अजय। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। आलोचना करने वाला, फ्रेंड आपको बताना आलोचना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में समीक्षक, बी ऑप्शन में छिद्रानवेशी, सी ऑप्शन में निंदक और डी ऑप्शन में आलोचक। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, यानी आलोचक। आलोचना करने वाला क्या कहलाता है? आलोचक। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। तुम बाएं बैठ जाओ, यानी तुम बाएं बैठ जाओ वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है। आपको बताना है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है। ए ऑप्शन में कालवाचक क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन में रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन में स्थानवाचक क्रिया विशेषण और डी ऑप्शन में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निहारिका कम बोलती है, फ्रेंड आपको बताना है निहारिका कम बोलती है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है, यानी कौन सी क्रिया विशेषण है आपको यह बताना है। ए ऑप्शन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन में रीतिवाचक क्रिया विशेषण और सी ऑप्शन में है कालवाचक क्रिया विशेषण, डी ऑप्शन में स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी बोलती क्या हमारी क्रिया है उससे पहले क्या है? कम। बहुत या कम किस में आते हैं? बहुत और कम किस में आते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ए ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। सोहन कल जयपुर जाएगा, यानी सोहन कल जयपुर जाएगा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है। आपको बताना है ए ऑप्शन में स्थानवाचक क्रिया विशेषण,
बी ऑप्शन में कालवाचक क्रिया विशेषण और सी ऑप्शन में रीतिवाचक क्रिया विशेषण, डी ऑप्शन में इन उपयुक्त में से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड बी ऑप्शन, यानी कल की बात हुई है, समय की बात हो रही है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। सोहन कल जयपुर जाएगा, इसमें प्रयुक्त क्रिया विशेषण क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें स्थान की बात होती है, दाएं बाएं। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। जत्था का तत्सम रूप है, फ्रेंड आपको बताना है जत्था का तत्सम रूप है, ए ऑप्शन में दक्ष, बी ऑप्शन में दक्षिण, सी ऑप्शन में यूथ और डी ऑप्शन में यति। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड बी ऑप्शन, क्या होगा? बी ऑप्शन, जत्था का तत्सम रूप क्या होगा? चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। यब का तद्भव है, आपको बताना है यब का तद्भव है, ए ऑप्शन में जो, बी ऑप्शन में युवा, सी ऑप्शन में यज्ञ और डी ऑप्शन में योगी। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी जो। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है, फ्रेंड आपको बताना है निम्न में से तत्सम शब्द है, ए ऑप्शन में कैंची, बी ऑप्शन में कतरी, सी ऑप्शन में कर्तरी और डी ऑप्शन में कर्तरी, यानी ये दोनों सेम एक ही टाइप हो गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, यानी कर्तरी। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, आपको बताना फ्रेंड सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, ए ऑप्शन में वह, बी ऑप्शन में तेरा, सी ऑप्शन में कोई, डी ऑप्शन में मैं। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी तेरा। ये किससे बना हुआ है? सर्वनाम से बना हुआ है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, ए ऑप्शन में कमाऊ, बी ऑप्शन में पठित, सी ऑप्शन में समझना, डी ऑप्शन में चालू। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, यानी समझना। ये क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो फ्रेंड ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न, आपके कितने सही हुए आपको बताना, कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में साझा करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी भी दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।